ओम नमः शिवाय, हरिओम तत्सत। अक्सर लोग ये बोलते हैं कि भगवान ने मेरा जीवन क्यों कष्टों से भरा हुआ है, मेरे जीवन में जो हमें चाहिए क्यों नहीं मिलता है, जो मैं चाहूँ नहीं मिलता। कभी आपने भगवान कृष्ण का जीवन देखा है? वो तो स्वयं परब्रह्म है, परमेश्वर हैं। जब जन्म लिया, माता पिता दूर हो गए, वो छूट गए उनसे। यशोदा जी, नंद जी ने पाला और कुछ समय बाद वो भी छूट गए। बरसाना छूटा, गोकुल छूटा, और आप देखो उनका जो प्रेम था, जो उनकी आत्मा थी, राधा भी छूट गई। फिर मथुरा आए, कुछ समय बाद वो भी छूट गया। द्वारका बसाई और अंत में वो भी छूट गया। तो अगर आप उनका जीवन देखो तो तप और त्याग से पूरा भरा है। उन्होंने जन कल्याण के लिए, एक आदर्श स्थापित करने के लिए अपना पूरा जीवन त्यागमय बनाया। तो क्या आप अपने को उनसे तुलना कर सकते हो? तो जब स्वयं परमेश्वर ने अपना जीवन इतना त्याग और तपस्या कर रखा, तो कैसे आप ये सोच सकते हो कि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा दुख है? उन्होंने तो आपको बहुत कुछ दिया है, जो दिया है उसका आभार व्यक्त करो और भगवान कृष्ण को धन्यवाद करो कि आपने अपने लिए इतना नहीं रखा, लेकिन मेरे को बहुत कुछ दिया, सब कुछ दिया। इस जन्माष्टमी अपने भीतर इसी कृष्ण तत्व को जागृत करिए। आप सबका कल्याण हो। ओम नमः शिवाय, हरिओम तत्सत।